Hi friends, good evening. How are you all? So friends, today we will discuss about some basic things. आज का दिन हम बात करने वाले हैं किचन का जो पोजीशंस होता है ना, पोजीशंस के ऊपर. और FOH बोलते हैं उसको, FOH और BOH बोलते हैं. FOH बोले तो फ्रंट ऑफ हाउस, उसमें आएगा सर्विस का डिपार्टमेंट पूरा आएगा और बार का डिपार्टमेंट वो सब आएगा. और BOH बोले तो बैक ऑफ हाउस, मतलब पूरा किचन का जो जो डिपार्टमेंट्स है वो सब उसमें आएगा. और आज हम बात करने वाला है किचन का पोजीशन, सबसे पहले कौन सा पोजीशन है और उसके बाद और CDP जो होता है और CDP के लिए कितना कितना एक्सपीरियंस आए हैं, कितना साल का एक्सपीरियंस आए हैं, वो सब आज हम बात करने वाले हैं. और अपने साथ अमिताभ शेफ जी है, शेफ काम कर रहे हैं इधर, पहले कुवैत में काम किया, इंडिया में काम किया, आज सऊदी में काम कर रहे हैं. शेफ को बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं. आज शेफ काम कर रहे हैं पिज्जा सुपरवाइजर जैसा काम कर रहे हैं. हेलो शेफ, हाउ आर यू? चलो शेफ जी, पहले आपका थोड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना. मेरा नाम मेहताब आलम है, मैं अभी 6 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ ये पिज्जा लाइन में. अभी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में 6+ हो गया और मैं अभी पिज्जा शेफ में मैं काम कर रहा हूँ. और हमारे सर जैसे बोल रहे हैं कि किचन लाइन में कहाँ से कहाँ तक, कैसे स्टेप बाय स्टेप, कौन सा पोजीशन होता है और किस पोजीशन के लिए कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं. तो सबसे पहले यूटिलिटी से चालू होता है, जो कि यूटिलिटी हो गया स्टीवर्ड, उसे यूटिलिटी बोलते हैं, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है. उसके बाद जाके कौमी 3 होता है. प्रोग्रेस करने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कौमी 2, कौमी 3 से कौमी 2, कौमी 1 पे जाएगा, फिर से जाएगा DCDP जाएगा, फिर से CDP लेवल जाएगा. उसके बाद उसके ऊपर है आपका जूनियर सू शेफ है, फिर से सू शेफ जाएगा, हेड शेफ जाएगा, HQD शेफ जाएगा. तो ऐसे प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. ठीक है. हाँ शेफ जी, सबसे पहले कौन सा पोजीशन है? सबसे पहले यूटिलिटी के जाएगा, यूटिलिटी. और उसके बाद किचन में जाए तो कामी 3 बोल. अच्छा, कामी 3 बोल. और जो मेन शेफ है वो CDP. उसके बाद जैसे शेफ से स्टार्ट है तो बोले तो कौमी 3, 2, 1, उसके बाद DCDP लेवल जाएगा, फिर से DCDP से CDP, वहाँ से अपना करियर जो है थोड़ा ऊपर जाता है. ऊपर जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो पोजीशन बढ़ता जाएगा और सैलरी भी काफ़ी अच्छा खासा है. शेफ, आज आपका पोजीशन कौन सा है? अभी मेरा पिज्जा शेफ है. पिज्जा शेफ, अभी पिज्जा में काम कर रहा हूँ जी. ओके शेफ, अभी फॉर एग्जाम्पल CDP बनने के लिए कितना साल टाइम लगेगा? कम से कम 4-5 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. गुड कम्युनिकेशन चाहिए सब. ओके, फॉर एग्जाम्पल शेफ, आप इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, CDP के लिए इधर कितना साल मिलेगा? CDP के लिए इधर 60+ मिलेगा. 60+, मतलब इधर का पैसा बोलिए. इधर का वही 3000 रियाल तक मिलेगा. और खाना भी मिलेगा? खाना मिलेगा, एकोमोडेशन, रूम, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मिलेगा. बढ़िया बात है. और शेफ, और एक बात बोलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं किचन में आना चाहता हूँ, मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खाली डिप्लोमा कर दिया, हॉस्पिटलिटी का जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा कर दिया. अभी मैं किचन में आने के लिए मेरे को मन लग रहा है, ठीक है, किचन में आया तो पहले सैलरी कितना मिलेगा? पहले सैलरी स्टार्टिंग में 35+ मिलेगा. 35+ मिलेगा, स्टार्टिंग में ही 35 से स्टार्ट हो जाएगा. ओके जी. ओके शेफ, थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू. चलो दोस्तों, आपका आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी जरूर करिए.